आने वाले 7-8 महीने सिर्फ और सिर्फ आपको एकदम संत बन के सब कुछ छोड़ छाड़ के लगना होगा नीट की तैयारी में। अपने कमरे का दरवाजा और अपने दिल का दरवाजा दोनों बंद कर लो अगले 7-8 महीने। ना किसी व्यक्ति के लिए आपके दिल का दरवाजा खुले, ना आपके कमरे का दरवाजा खुले। और जिस दिन ये दरवाजा खुले तो वहां से एक ही चीज दिखाई पड़े, सफलता कि नीट निकल गया। कर दिया है, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। कीमती चीज आपका समय है, उस समय को आप कहां लगा रहे हो? अगर लेक्चर्स में लगा रहे हो तो उसका फल मिलेगा बेटा, सही समय आने पे उसका फल अवश्य मिलेगा। समय क्यों नहीं मैनेज हो रहा है आपका? क्या कर रहे हो आप इस समय में, क्या कर रहे हो? सबसे ज्यादा या तो किसी बच्चे को मोबाइल का एडिक्शन होगा, या हो सकता हो किसी बच्चे को दोस्ती यारी में बहुत समय बिता रहा हो। कुछ लोग टीवी देख रहे होंगे, वेब सीरीज देख रहे होंगे। आपके जीवन में क्या वैल्यू एडिशन होगा इनमें से किसी भी चीज से? कुछ बच्चे होंगे जो पूरे दिन रील्स, शॉर्ट्स, वीडियोस इन सब में फंसे होंगे, और कुछ बच्चे होंगे जो इस समय फोन वाले प्यार में फंसे होंगे। जितना भी इंसान आप देख रहे हो कि बहुत महान बना है, बहुत ग्रेट बना है, उसने यार जीवन में बहुत सी चीजों को त्याग दिया है, बहुत सी चीजों का त्याग किया है। दिन भर आप ये देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, वेब सीरीज देख रहे हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बैठे हो, उल्टे सीधे कमेंट करते हो कि ये वायरल हो गया, वो वायरल हो गया, इसका वीडियो देख लीजिए, इसने क्या कह दिया, इसका वीडियो देखो, इसने क्या कह दिया, ताली बजा रहे हो उनके लिए। क्या मिलेगा इन सबसे भाई? इन सबसे तो नीट नहीं निकलेगा। अरे नीट छोड़ो, इन सबसे आप रोटी थोड़ी कमा पाओगे। इन सन से आप अपने पिताजी को कपड़े खरीद के नहीं दे पाओगे। यार किस लिए जिंदा हुए हो, किस लिए जीवित हो आप? इस सब चीज के लिए आए थे आप? एक बच्चा बोल रहा है रिवीजन के लिए मुझको समय नहीं मिल रहा है। देखिए मैं आपको एकदम सच्चाई बताता हूं, आप में से कोई भी इतना बिजी नहीं है कि अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए उसके पास समय ना हो। समय हम सबके पास है, बात सिर्फ प्रायोरिटाइज करने की है बेटा, कि हम अपनी इंपॉर्टेंट चीजों को प्रायोरिटाइज करें। जीवन में क्या चीज आपके लिए ज्यादा कीमती है वो आप करें। तो आपको अपने समय को सही से यूटिलाइज करना है। आप फिर भी सही से यूटिलाइज कर रहे हो, है ना? आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस संवाद में आए हैं, कुछ बच्चे रिवीजन कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, पर अभी इस वक्त पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी इंस्टाग्राम खोल के लगातार ऐसे स्क्रॉल कर रहे होंगे, उस नकली दुनिया में पूरी तरह से फंसे होंगे, एक के बाद एक रील देख रहे होंगे, और हर एक रील के बाद उनके दिमाग में जो डिप्रेशन है वो बढ़ता जा रहा होगा। हाथ यहाँ से हट नहीं पा रहा होगा रील से, क्योंकि वो अपने आप में ऐसा चुंबकीय बनाया गया है ना, ये सब प्लेटफॉर्म इसीलिए ऐसे बनाए जाते हैं कि वहाँ से आप हट ना पाओ, जानबूझ के ऐसे डिजाइन किए जाते हैं। और वो वहाँ फंसा होगा और लगातार खुद को कोस रहा होगा कि काश मैं पढ़ लेता, मैं पढ़ क्यों नहीं रहा हूँ। फिर थोड़ी देर उस दुनिया में खो गया, 15 मिनट तक फिर स्क्रॉल किया, उसी दुनिया में खोया हुआ है, और आप क्या होते हो, अपनी असली दुनिया भूल के उस नकली दुनिया में फंसे रहते हो। तो ये नकली दुनिया से आप बाहर निकलो, अपने जीवन का कंट्रोल खुद के हाथों में रखो, इन बड़े बड़े टेक जायंट्स को अपने जीवन का कंट्रोल मत दो। आप ये बता दो, आप 1 घंटे रील स्क्रॉल करते हो, उससे आपके जीवन में क्या वैल्यू एडिशन होता है? आप समझदार हो, पढ़े लिखे हो, 18 साल के हो, 19 साल के हो, काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आती है। ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल अनपढ़ हो बेटा, बिल्कुल आप अशिक्षित हो, आप शिक्षित हो, आपको चीज़ें समझ में आती है। सब समझने के बाद भी आपने अपने जीवन का कंट्रोल इन सोशल मीडिया वालों के हाथ में दे दिया है। आप उनको क्या बहाना देते हो कि मैं पढ़ रहा हूँ, और कमरा बंद करके आप क्या पढ़ाई करते हो मोबाइल में, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तरह तरह के आप रील देख रहे हो और अपने दिमाग को पूरी तरह से दूषित कर देते हो। तो जो आप बोल रहे हो ना रिविजन करने का समय नहीं मिल रहा, समय आपके पास बेटा बहुत है। हम में से कोई भी इतना बिजी नहीं है कि अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चीज़ के लिए समय ना निकाल पाए। ये ड्रॉप ईयर है आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि पूरे दिल से पूरी शिद्दत से तैयारी करना, और बाधाएं जितनी भी आ रही हैं इन सब बाधाओं पे ध्यान न देना। ये जितने भी डिस्ट्रैक्शन आपके पास टहल रहे हैं इन पे ध्यान न देना। आप बस एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो, क्या, कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते, ये आपका इस्तेमाल करता है। अच्छा लगेगा आपको कि कोई आपका इस्तेमाल करके चला गया? नहीं लगेगा ना।
करने दोगे आप किसी को, खुद का इस्तेमाल नहीं करने दोगे ना। तो ऐसे ही आपको अंदर से कठोर बनना है। और जब भी अगली बार अपने मन में ऐसे बहुत ही तीव्र इच्छा आए ना, बहुत ही ज़्यादा आपको रील की इच्छा आती है कि देखना ही पड़ेगा, तो आप खुद से बस एक सवाल पूछना कि क्या मैं खुद को दूसरे को इस्तेमाल करने दूंगा? नहीं करने दूंगा ना बेटा, तो फिर नहीं।